हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। आई एम अमित दीक्षित। और अगर आप कर रहे हैं टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन तो अनअकैडमी के प्लस से जरूर जुड़िए। यहां पर आप बेस्ट एजुकेटर्स के माध्यम से जो कोर्सेज डिजाइन किए जा रहे हैं रोज लगातार 30 घंटे की लाइव क्लासेस के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। और सभी एजुकेटर्स जो यहां पर टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे और उनके कोर्सेज लाइव हैं यहां पर, तो आप लाइव लेसन के माध्यम से, लाइव एमसीक्यू सीरीज हैं, डाउट सेशंस होंगे, आपको ई बुक्स और नोट्स मिल जाएंगे, तो सभी कुछ अवेलेबिलिटी है। आप अगर सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जानते हैं सिर्फ एक चांस है आपको, अब साल में एक बार ही होना है सी टेट, और बाकी टेट एग्जाम्स के लिए भी यहां पर बेस्ट सिस्टमैटिक कंटेंट अवेलेबल है, तो जरूर कंसिडर कीजिए। और इसके प्लान्स यहां पर इस प्रकार हैं, आप जानते हैं, अगर आप चाहें तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, ये बेनिफिट मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल कोड के नाम से मेरा कोड मिल जाएगा, amit_dikshit, उसको इस्तेमाल कीजिए तो आप यहां पर डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ 900 पर मंथ में, इट्स मिनिमम चार्ज में, आप यहां पर बेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को लाइव तैयार कर सकते हैं। ओके, तो अपनी बेस्ट तैयारी कीजिए और सजेशन फॉलो कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स अवेलेबल हैं, विजिट जरूर कीजिएगा, बेनिफिट आपका ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की जानकारी पर हम फोकस करते हैं। तो आज की इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो कुछ इस प्रकार है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले ये चीज कि ये दो लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, दो तरह के लोगों के लिए। एक जो NIOS से DLED कर रहे शिक्षक हैं, जिनका DLED के एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो सभी शिक्षक, वो सभी कैंडिडेट्स। और दूसरे जो CTET की या TET एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका NIOS से DLED से नहीं जुड़े हुए हैं अभी, तो वो यहाँ पर खासतौर पर दोनों ही तरह के लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि दोनों को ही अपने अपने तरह के बेनिफिट हैं और बेस्ट बेनिफिट हैं। तो समझिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, छोड़िएगा मत इसको। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग DLED कैंडिडेट्स हैं वो इस वेबसाइट को जरूर जानते होंगे, और नहीं जानते हैं जो लोग मैं उनको बता दूं, ये DLED की ऑफिशियल वेबसाइट है NIOS के, dled.nios.ac.in। इस वेबसाइट पर आप सबसे पहले जाइएगा और यहां पर आप स्टडी मटेरियल में जब जाएंगे तो यहां प्रिंटेड मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह की आपके सामने इस लिंक पर, इस पेज पर आप पहुंच जाएंगे। अब आप यहां पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो गौर से देखिए, खास तौर पर जो अभी तक NIOS DLED नहीं कर रहे हैं या जो अलग से तैयारी कर रहे हैं टेट और CTET की, तो उनके लिए बिल्कुल नया होगा, तो ये समझ लीजिए। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही है ये। तो इस पेज पर आप देखेंगे स्टडी मटेरियल इन डिफरेंट मीडियम, तो इतनी सारी भाषाओं में यहाँ पर काफ़ी भाषाओं में काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है। अब ये जो कंटेंट है, आप सोचेंगे ये CTET में से क्या रिलेशन है इसका, तो CTET से बहुत बड़ा रिलेशन है इसका। और CTET से रिलेशन ये है कि यहाँ पर जो कंटेंट अवेलेबल है, आप देखेंगे यहाँ पर ये जो कंटेंट है वो आपके टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट कंटेंट रहेगा। CTET हो या कोई भी टेट एग्जाम हो, मैं आपको बता दूं यहां पर ये मटेरियल NIOS ने खुद तैयार किया है, बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार किया है, क्वालिटी कंटेंट है और काफी कुछ इसमें ऐसा है जो आपके टेट एग्जाम्स के सिलेबस को कवर करेगा और उसमें काफ़ी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। मैं आपको सिस्टमेटिकली समझाता हूँ, समझिए इसको ज़रा। और देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन, देखिए सबसे पहला है एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, ये सब मतलब ऐसे एस्पेक्ट हैं जो पेडागोजी से रिलेटेड हैं। यहाँ आपको पेडागोजी का कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा और नॉर्मल कंटेंट भी बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट का। तो देखिए ये पेडागोजी प्रोसेसेस इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, इमर्जिंग इश्यूज इन क्लासरूम, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं। तो ये सभी जो कोर्स हैं ये पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और ना केवल चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बल्कि EVS पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, सब में काफ़ी टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे। तो लैंग्वेज लर्निंग के बारे में भी है, लैंग्वेज की पेडागोजी भी है यहाँ पर, भाषा का शिक्षा शास्त्र, उसके बाद मैथ्स के बारे में यहाँ पर एक कोर्स है वो भी यहाँ पर है, तो मैथ्स के एलिमेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा EVS का कोर्स है 505 लर्निंग EVS एट प्राइमरी लेवल, तो ये पेडागोजी इसमें आपको EVS की बहुत अच्छे से मिल जाएगी, बेस्ट कंटेंट है, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस क्योंकि मैंने पढ़ाया है इसको। और यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करूँ, कम्युनिटी के बारे में बात करूँ, और इसके अलावा अगर हम बात करें और भी जो हैं, सोशल साइंस, साइंस, आर्ट, हेल्थ, तो इसका कंटेंट भी यहाँ पर पेडागोजी कंटेंट बहुत अच्छा अवेलेबल है, आपको ज़रूर ये बेनिफिट देगा। हिंदी और इंग्लिश में तो है ही, बाकी भाषाओं में भी आपने देखा, मैंने अभी दिखाया था आपको, उपलब्ध है। तो रीजनल लैंग्वेज में भी आपको ये मौका मिल जाएगा यहाँ पर कंटेंट देखने का,
कई लोग कंटेंट अगर ढूंढते हैं तो ये मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा बेस्ट कंटेंट है, क्योंकि ये खुद NIOS जैसी संस्था ने तैयार किया है और बहुत बड़ी संस्था है ये, आप जानते हैं सभी। तो यहाँ हिंदी में ये सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में। तो इसका बेस्ट आप यूटिलाइजेशन करते हैं, जो लोग NIOS से DLED कर चुके हैं यार, उनका खत्म हो गया है, हो जाएगा, तो उनको पता है कि उन्होंने तो तैयारी की है, तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप CTET के लिए करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम रहेगा, और आपने अगर अप्लाई किया है तो आपके ब्राइट चांसेस हैं इस बार इसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी कोर्स आपने बहुत जल्दी ही अभी करंटली ही पढ़ा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपको बेस्ट बेनिफिट रहेगा। और जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैं जो DLED नहीं कर रहे थे या जो CTET की प्रिपरेशन अलग से कर रहे हैं या TET की कर रहे हैं, तो उन्हें बताता हूं कि वो भी यहां से पूरा ये मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बेस्ट है कंटेंट हिंदी इंग्लिश में, ये करिए। और सबसे बड़ी चीज आप लोगों के लिए बेनिफिट ये मैं बताता हूं, इसको देखिए समझिए। यहाँ मैंने, आप जानते हैं कि पूरा DLED का जो कोर्स है NIOS का स्पेशल प्रोग्राम, सिर्फ हम ही थे जिसने ये कंप्लीट किया, AD एजुकेशन ने, मैंने ये कंप्लीट किया, ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं मिलेगा जो आपको सिस्टमेटिकली इस कोर्स का एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर विथ टॉपिक और नाम के साथ आपको मिले, राइट। तो ये इसी की वजह से आप लोगों ने इतने बेहतर परसेंटेज बनाए जो मेरे साथ पढ़ रहे थे, और जो TET की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस बात को अच्छे से समझ लें कि यहाँ पर एक एक कोर्स आप देखेंगे, काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, और आप देख सकते हैं 163 लेक्चर्स यहाँ हैं, 53, 36, तो काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, ढेर सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और टॉपिक के नाम के साथ हैं। देखिए, वृद्धि विकास का यहाँ पर दिख रहा है, पर्यावरण का है, मैथ्स के पैडागॉजी है, समाज की है, तो एवरीथिंग सोशल साइंस, साइंस डबल, और MCQs के साथ में है। तो आपको बेनिफिट ये है कि आप कोई भी टॉपिक, अब आपको परेशानी आती है जब भी पढ़ने में, मैं आपको बताता हूँ कैसे कीजिए आप, तो ये कंटेंट जो है आपका वो बेस्ट इसलिए है कि आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, तैयार करने के लिए। ओके, कैसे आप जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले इस मटेरियल में देखिए जाके कि अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की किसी में दिक्कत आ रही है, EVS में आ रही है, तो आप इस कंटेंट में उस टॉपिक को ढूंढिए, आपको हो सकता है यहाँ की जो भाषा दी गई है उसमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर वहां से टॉपिक देखिए कि किस नंबर का टॉपिक है, जो आपके पास मटेरियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा या होगा ही आपके पास जो भी कैंडिडेट है, और यहां पर जो लेक्चर हैं इनमें मैंने नंबर के साथ में उपलब्ध कराया है। आप में से काफी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कह भी रहे हैं, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इन लेक्चर्स को रहने दीजिए, ये यहीं पर हैं, डोंट वरी, क्योंकि वो जो लोग समझ गए हैं वो जानते हैं कि इसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे करना है और बेस्ट तैयारी कैसे करना है इनसे। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपके CTET के लिए जो आप यहाँ से कंप्लीट नहीं कर सकते, और इतने डिटेल और इतने बेहतर तरीके से, क्योंकि काफ़ी लोग ऑलरेडी, लाखों लोग इससे लाभ ले चुके हैं। तो बस अपना टॉपिक नंबर देखिए अपने सिलेबस स्टडी मटेरियल में से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी हो, कोई भी CTET की TET की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी कर सकता है, सबके लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि केवल NIOS वाले कर पाएंगे, सभी कर सकते हैं। और बस यहां पर वो टॉपिक सर्च कीजिए, किस कोर्स का है, मान लीजिए कोर्स 505 का है, 506 का है, 507 का है, यहां पर बस नाम से आपको देखना है, उस टॉपिक को लेक्चर आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से, उसको वहीं के वहीं समझिए और अपनी बेस्ट तैयारी कीजिए। तो एक ये समझिए कि आपका ऑलमोस्ट 70% जो टॉपिक्स हैं वो आपको लेक्चर ऑलरेडी तैयार हैं यहाँ पर, और आपको कुछ बस सेवल जाकर उसको सर्च करना है और नाम को देखना है, सिंपल लैंग्वेज में नाम है आपको। तो NIOS DLED वालों के लिए तो बेस्ट फायदा है ही, लेकिन जो नॉर्मल TET की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मली भी जो तैयार कर रहे हैं, जो NIOS नहीं कर रहे हैं DLED, उनके लिए भी ये बेस्ट कंटेंट है, ये ट्रस्ट कीजिए इस बात पर, और आप इसको ज़रूर विजिट कीजिए चैनल पर। अगर नए हों तो यहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ हमसे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए और घंटी का बटन दबा लीजिए जिससे आगे भी अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो जुड़िए यहां पर, आपको बेस्ट आगे भी मैं लेक्चर सीरीज और MCQ सीरीज यहां पर जारी रखूंगा, PYQs भी करेंगे। तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ तैयारी कीजिए और क्वालिटी कंटेंट आपको यहां पता चली जाएगा जब आप लेक्चर देखते हैं कि किस तरह से लाखों लोग यहां पर लाभ ले चुके हैं और आगे भी बेस्ट प्रिपरेशन तरीके से कर रहे हैं। तो मुझसे यहां पर तो जुड़िए ही, Unacademy पर भी मैं लाइव, जैसा मैंने आपसे शेयर किया, वहां पर भी बेस्ट एजुकेटर्स में से हूं और वहां पर आप क्लासेस देख ही रहे हैं, तो आप बेस्ट बेनिफिट लीजिए दोनों प्लेटफॉर्म पर। मैंने आपको बताया है यहां भी हम बेस्ट तैयारी करेंगे, यूट्यूब पर भी आप AD एजुकेशन से जरूर कनेक्ट रहिए, और Unacademy पर भी जैसा मैंने आपको बताया,
आप जरूर जुड़ें और बेस्ट प्रिपरेशन करें। तो आगे भी मैं ऐसे अपडेट शेयर करता रहूंगा, इसको प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कर दीजिए सभी से, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए इसको, और अपने कमेंट्स, अपनी जो भी राय है आप दे सकते हैं, और हम लगातार जुड़े रहेंगे। ओके एवरीवन, सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू वेरी मच, टेक द एडवांटेज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू, टेक केयर।